नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर के युवाओं का प्रदर्शन, आप देख रहे हैं केथल पलपल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। प्रदेश और देश में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के लिए बलात्कारियों को कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग को लेकर के भगवान परशुराम संस्था के सदस्यों ने शहर में जुलूस निकाला और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने लघु सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बातचीत में कहा कि प्रदेश और देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जो कि एक गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लगातार रेप की घटनाएं बढ़ने के बावजूद भी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में किसी विशेष जाति की महिला या बच्ची से बलात्कार की घटना हो जाती है तो बड़ा बवाल मच जाता है, लेकिन अब एक 8 साल की हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार होने की घटना के बाद सरकार का कोई भी कार्रवाई सामने नजर नहीं आ रही है और न ही सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार है, जिस कारण हिंदू समुदाय के अंदर और उन लोगों के अंदर भारी रोष है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं के कारण महिलाएं और छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान करे ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। किसी खबर के लिए या किसी कन्या के ऊपर जो बलात्कार का एक आरोप हुआ है या एक कन्या का बलात्कार किया गया, हम सभी उसके विरोध में यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश में रोज की रोज हम देखते हैं कि बहुत सी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सभी के सभी पॉलिटिशियन अगर देखा जाए तो इसके ऊपर कोई कुछ नहीं करता। सबके सब अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, ना एक किसी कमरे के कोने में बंद है, ना किसी को न्याय मिलता है और ना किसी। और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का होता है कि अगर किसी विशेष समुदाय के किसी जाति के साथ, किसी विशेष समुदाय की बालिका के साथ अगर कोई घटना घट जाए तो सबके सब न्यूज चैनल इसको दिखाते हैं, लेकिन आज एक आठ साल की बच्ची जो हिंदुओं के घर में जन्म लिया था जिसने, उसका रेप हुआ है तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। इसलिए हम इस बात का विरोध करते हैं, उसे रोका जाए। अगर नहीं रोका जा रहा तो क्या फायदा इन सरकारों का और क्या फायदा इन पुलिस का, सेना का? अगर अन्याय बढ़ ही रहा है तो बढ़ता रहे तो इनका क्या फायदा, लेकिन अगर ये है तो अन्याय बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। और जिस देश में टीपीएसओ ग्रुप से है और हमारे अध्यक्ष भगवान परशुराम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अध्यक्ष रवि प्योदा और मेरा नाम नितिन आर्या है, लेकिन एक बात का मुझे बड़ा दुख है, जिस देश में 8-8 साल की बच्चियों का रेप होता हो कहां उस देश की सभ्यता चली गई। तो हम इसी के विरोध में आए हैं और यहां के प्रशासन से, ये कैथल शहर है, यहां के प्रशासन से हमारा निवेदन है कि वो जरूर इसके ऊपर जितना अपना सर्व सामर्थ्य से वो इसके ऊपर कार्रवाई कर सके वो करें। नमस्ते जी। भगवान परशुराम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से सब कार्यकर्ता हैं और हम आज जिस मुद्दे को लेकर, जिस समस्या को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर में 8 साल की एक छोटी सी कन्या, हमारी बहन, हमारी बेटी इस देश की, उसके साथ जो अत्याचार बलात्कार हुआ है उसको लेकर हम प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि ये अत्याचार कब रुकेगा। इस देश की सरकारें आती हैं, कभी हिंदूवाद पे, कभी राष्ट्रवाद पे वोट लेकर चली जाती हैं, युवाओं को बरगलाती हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी बेटी, जो बहन बेटियां हमारी घर से बाहर निकलती हैं उनकी सुरक्षा। आंदोलन बंद कर देंगे, हर रोज कभी 3 साल, कभी 7 साल, कभी 8 साल, कभी 9 साल की हमारी बहनें बेटियां अपनी आबरू को छल्ली छल्ली करवाती हैं। ये सब मीडिया जब किसी भी मुस्लिम संगठन की या मुस्लिम समाज की, मुस्लिम धर्म की कोई भी बेटी जिसके ऊपर अत्याचार होता है तो सारे राजनीतिक संगठन इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हिंदुओं की बेटी, हिंदुओं की मां बेटियों का कोई भी सरोकार नहीं है? मैं आज की मौजूदा सरकार से बात करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे पर वोट ली कि हम सुरक्षा देंगे, बहन बेटियों को इज्जत देंगे, इस देश को ऊपर लेके जाएंगे, राष्ट्रवाद करेंगे, हिंदुवाद करेंगे, हिंदुओं को सुरक्षा देंगे। कहां है वो सुरक्षा? यहां पर उपस्थित हुए हैं कि हमारी बहन जो 8 साल की युवती, हमारी कन्या जिसके साथ बहुत ही घिनौना अपराध एक जानवर ने किया है, हम उसको युवा नहीं कह सकते, उसको जानवर ही कहेंगे, जिसने जानवर प्रवृत्ति से किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी है।
हम चाहते हैं कैथल के प्रशासन से, जो ये युवा आया हुआ है भगवान परशुराम ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट, इसमें हम सब हैं, इसमें और समाज से भी सभी जुड़े हुए हैं, ये किसी एक जाति समाज का संगठन नहीं है, इसमें हर समाज से, किसी भी समाज से कोई जुड़ सकता है। और हमारा मुद्दा सिर्फ यही है, हम चाहते हैं हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा जो हमारे लिए सर्वोपरि है वो प्रशासन उपलब्ध करवाए, वरना हम इस छोटे से आंदोलन को जो युवा इकट्ठे हुए हैं हम इसको एक बड़ा रूप देंगे। हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जय हो, हम सब युवा एक हैं, हम सब युवा।